सवाल मुझसे ज्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो। कि आपने दो लोगों की कब्र पर तीन नए अपराधी की फसल उगा दी। सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर अतीक अहमद के साथ सुरक्षा होती है, उसके साथ इतना बड़ी जो है दुर्घटना हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आरोपी हैं उनको भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आखिर ये सब कुछ करवाया किसने। एक दिन पहले मैं सुन रहा था बीजेपी के विधायक हैं साहब निकाय चुनाव को लेकर जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खुले मन से साफ शब्द में कह रहे हैं कि भैया देखिए अतीक साहब का क्या हुआ। मोहरे हैं, शूटर्स भी नहीं है, मोहरे हैं। इनको ज्यादा दिन हिरासत में रख कर भी सरकार को बहुत कुछ पता चलने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्यारों के जो चार दिन की रिमांड थी वो आज खत्म हो गई है और आज शाम को 5 बजे सीजीएम कोर्ट में उनकी पेशी है। और उसी को लेकर देखिए आज मैं न्यूज़ रूम पे मौजूद हूँ और हमारे तमाम साथियों से चर्चा करूँगा कि आखिरकार अतीक अहमद के केस में आकर हो क्या रहा है, और साथ ही साथ तीनों आरोपियों की जो चार दिन की रिमांड थी अब वो ख़त्म हो गई है, तो उसको आगे लेकर क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में। देखिए, सबसे पहले मैं ऋतिक से बात करूँगा, ऋतिक हमारे साथ ही मौजूद है यहाँ पे। ऋतिक, देखिए तीनों की रिमांड जो है वो ख़त्म हो गई है, आज 5 बजे तकरीबन 5 बजे वो सीजीएम कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद जज अपना फैसला सुनेंगे, या तो रिमांड आगे बढ़ाई जाएगी या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ होगा। और इसी बीच उन तीनों की जान को भी खतरा है, थ्रेट मिल चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, और जो जो ओपोजिशन है वो जो आरोप लगा रही है कि यूपी सरकार की नाकामी है ये, इसमें भाजपा भी शामिल हो सकती है, किस हद तक वो सही हो सकता है? देखिए, ईद के मौके पर कल आपको याद होगा अखिलेश यादव ने यहाँ पर बयान दिया, अखिलेश यादव से पत्रकार ने सवाल पूछा कि आखिर इस तरीके का जो एक हत्या हुई इस पर आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ईद का मौका है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे। तो ये साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी डरी हुई है। दूसरा सवाल जो आपका रहा सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर अतीक अहमद के साथ सुरक्षा होती है, उसके साथ इतना बड़ी जो है दुर्घटना हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आरोपी हैं उनको भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आखिर ये सब कुछ करवाया किसने है। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है कि आप देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद था, पत्रकार मौजूद थे, इसके बावजूद भी आप गोलीबारी कर देते हैं, 9 राउंड की फायरिंग कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश है। अगर यहाँ पर सुरक्षा में चूक हो जाती है, अगर इन आरोपियों के साथ कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सबूत है वो खत्म हो जाएंगे, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऋतिक ने जिस बयान की चर्चा की है कि ईद के मौके पर अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उसको पहले सुनिए, उसके बाद में हमारे जो सहयोगी आसिफ से उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा कि क्या कुछ देखिए आसिफ सर जानते हैं इस पूरे केस के बारे में, क्या कुछ देखे हो सकता है। सुनिए अखिलेश का बयान कि प्रयागराज हत्याकांड को लेकर के पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मारा जा गया था है दोनों अपराधियों को, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देखिए, त्योहार के दिन, और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो, और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, और किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, अभी गेहूं की फसल थी, क्या सरकार ने वो इंतज़ाम किए थे कि किसानों का गेहूं खरीदा जाए? तो देखा कैसे आपने, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर, भाजपा पर, और देखिए साथ ही साथ जितने भी कानून व्यवस्था है उस पर सवाल तो उठाइए। लेकिन हमारे साथ देखिए आसिफ सर मौजूद हैं। देखिए आसिफ जी, अब उन तीनों की जो रिमांड है 4 दिन की वो ख़त्म हो गई है, और साथ ही साथ देखिए अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाए थे, जितने भी ओपोजिशन है वो भाजपा की कानून व्यवस्था पर देखिए सवाल उठा रही है, और सवाल तो बनते ही है क्योंकि पुलिस की कस्टडी में देखिए हत्या हुई है दोनों की, कैमरों के सामने मीडिया रिपोर्टर्स भी थे, उनकी जान को भी खतरा था, आम पब्लिक थी, पुलिस वाले थे, उनके जान को भी खतरा ही था। अब यूपी की कानून व्यवस्था जिसके देखिए हर कोई भाजपा का मंत्री ले लीजिए, चाहे भाजपा ही कार्यकर्ता हो, वो हर कोई देखिए काफ़ी शोर शराबा करके बता देते कि यूपी की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी शुक्रिया। देखिए पीयूष, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी देखिए दो दिन पहले मैं सुन रहा था बीजेपी के विधायक हैं साहब निकाय चुनाव को लेकर जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खुले मन से साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भैया देखिए अतीक साहब का क्या हुआ आप देखिए, तो इसे यही साफ मंशा है कि देखिए हमारा बाखूबी समझते हैं, चाहे सपा की सरकार आ जाए, बसपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, ये तमाम लोग जो है सिर्फ राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए आज के नौजवानों को जो है मुझे लगता है कि आज चूल्हा में झोंक रहे हैं और इससे बढ़ के कुछ नहीं। और आज भी लोग जो धर्म की आर में आकर इतना नशा पी लिए हैं कि ये इन्हें दिखता नहीं है, लेकिन इसे नेता का फायदा। सबको पता है कि जब समाजवादी पार्टी में थे किसी बिना राजनीति संरक्षण के कोई भी आज बाहुबली बन ही नहीं सकता, ये बात हमारा आप जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेहनत पसीना तो करना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इनकाउंटर जो हुआ इसके पीछे सोची समझी साजिश है, और इसलिए ताकि निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और इसका फायदा जो है 24 में भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आज देखिए ना अभी अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है, उसमें केंद्र सरकार भी अपनी जो है वाहवाही लूट रही है और राज्य सरकार भी, तो मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है और ये तब तक रहेगा भी कि जब तक 2024 का चुनाव न हो जाए। निकाय चुनाव में तो बाजी मारेंगे मारेंगे, 24 में भी चुनाव मारेंगे, इसमें ना तो अतीक के परिवार को लेकर कोई पता चल पाएगा, इसके पीछे का मास्टरमाइंड को नहीं ये भी पता नहीं चल पाएगा, ये खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपका कहना है कि राजनीति से प्रेरित है, और साथ ही साथ देखिए कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि भाजपा सरकार की नाकामी है, भाजपा के शामिल हो सकते हैं इस केस में, जितने भी हत्या थी उसमें कहीं ना कहीं भाजपा हो सकती है, लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल चुके हैं कि सांसद जो अतीक अहमद बना था उन्हीं की पार्टी से बना था, तो ये हिपोक्रेसी नहीं हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इतने हुक्मरान हैं, उनके हमदर्द हैं, तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, बोलिए कि भाई सिस्टम, जब तक सिस्टम की जाँच नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप अतीक को बीच में मत लाइए। ठीक है भाई, एक माफिया था, कानून व्यवस्था उसको सजा देती, उसको उम्र कैद हुई, उसको लेकर कीजिए, लेकिन दरअसल यही होगा, कल होकर उनकी सरकार बनेगी, फिर बीजेपी के किसी नेता को मार देंगे और उसके बाद वो भी अपना ऐसे कहते रहेंगे, क्योंकि आज हमारा आप समझ रहे हैं कि देखिए अतीक छोटा मोटा गुंडा नहीं था भाई, माफिया था, और माफिया को मारना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि तीन जो मोहरे थे हमलावर, मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी औकात है जो अतीक को मार दे, लेकिन इसके पीछे कौन है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, और शायद हम सबको भी उम्मीद है कि कम से कम आ जाए, क्योंकि योगी राज में अगर जानकारी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं बिल्कुल, देखिए आसिफ सर ने काफ़ी अच्छा बोला है कि जो तीन मोहरे थे, क्योंकि उनकी अगर बात करें पूरी, देखिए उनका घर दिखाया था रिपोर्टर्स ने, मीडिया रिपोर्ट्स में उनका घर देखा था, अपने माँ बाप से बात करी थी, तो उनके इतने हैसियत नहीं थी कि देखिए 8-8, 10-10 लाख की जो बंदूकें थी वो खरीद सके। हमारे साथ राकेश सर मौजूद है, राकेश सर से हम जानेंगे कि आखिरकार यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी सही है कितनी ख़राब है, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हैं कि रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है, भाजपा दावा करती है कि काफ़ी बढ़िया है, पूरे भारत में देखिए सबसे क्राइम रेट जो लो हो चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है भारत सरकार के वो कुछ अलग बोलती है। राकेश जी देखिए, आज तीनों की पेशी है, 4 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है, अब आगे क्या, यानी कि अब जब CGM कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा तो क्या जो STF है, जो SIT गठित कर गई थी, वो उन तीनों की आगे रिमांड और बढ़वा सकती है या फिर क्या नया मोड देखने को मिल सकता है? देखिए पीयूष, इस पूरे मसले पर जो तीनों शूटर्स हैं उनकी जो आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, तो यकीनन UP STF और UP पुलिस जरूर ये मांग करेगी कि उनकी न्यायिक हिरासत उन्हें और मिले, रिमांड पर वो और मिले, तो ये और कहीं ना कहीं ये बात है भी कि रिमांड मिलनी भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकले, क्योंकि अभी तक UP STF की भी जो अंदरूनी रिपोर्ट्स या एक तरीके से शुरुआती दौर की जो जांच है उसमें ये पता चल रहा है और दावा भी है कि एक तरीके से राजनीतिक हत्या भी है, क्योंकि अतीक ऐसा नहीं है कि अतीक ने सिर्फ सपा को फ़ायदा दिलाया, अतीक ने BJP को भी फ़ायदा दिलाया, अतीक ने कांग्रेस को भी फ़ायदा दिलाया, अतीक की पत्नी BSP में थी, अतीक ने अपना दल को भी फायदा दिलाया, अतीक ने सपा को भी फायदा दिलाया, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में एक अतीक अहमद बना, ठीक है, और जो अतीक को मारा गया इस मारने के बाद कई राजनीति के जो गुमनाम चेहरे जिसके कारण अतीक बना और ना जाने कितने ही लोगों के काम उसने किए होंगे अपने माफिया के बनने से लेकर बनने तक के दौर में, वो सब खत्म हो गया। तो और मेरे को ये लगता है कि ये जो तीन मोहरे हैं, शूटर्स भी नहीं है मोहरे हैं, इनको ज़्यादा दिन हिरासत में रख कर भी सरकार को बहुत कुछ पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुलिस सुरक्षा में इस तरह का हत्याकांड कर देना अपने आप पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था पर सवाल है। और एक बात और मैं जोड़ूंगा कि आपने दो लोगों की कब्र पर 3 नए अपराधी
की फसल उगा दी। नहीं बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा उन्होंने सेंटेंस बोला है कि दो कब्र पर तीन अपराधी और देखे जन्म दे दिए। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो अतीक अहमद की हत्या हुई थी उसमें क्या कुछ देखे नए खुलासे होते हैं, और साथ ही साथ देखिए आज जो CGM कोर्ट में पेशी होगी तो उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।